बम्बलबी की फोटो की जगह इसे डाल देते हैं। टैप डांस करते मंकी का जवाब नहीं। दुनिया भर की साइट्स पर बम्बलबी की तस्वीरें मिलना कोई मजाक की बात नहीं है। 7, 8, 9 मैं सिर्फ ड्राइव करूंगा तो नहीं चलेगा क्या? नहीं, अगर तुमने पैरों का इस्तेमाल नहीं किया तो वो बेजान रह जाएंगी। 1, 2, 3 रुको, ये क्या है? एक साइबरट्रोनियन एस्केप पॉड। वो यहां धरती पर कैसे आया? ऑटोबॉट का है या डिसेप्टिकॉन का? इस फोटो में ये पता कर पाना बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, हमें छानबीन करनी होगी। हो सकता है कोई जाल हो। पहले ही एक ऑटोबॉट जख्मी है। व्हीलजैक से बात करके देखते हैं। मैं सुन रहा हूँ। बल्कहेड इस वक्त चाहे लड़ने के लायक हो या ना हो, लेकिन व्हीलजैक ने मीको के साथ बदला लेने की जो हरकत की है, उसके बाद उससे दूर रहना ही अच्छा है। हो सकता है कि कोई ऑटोबॉट मुसीबत में हो। रैचेट, अपना मेडिकल किट साथ ले लो। ये शिप डिसेप्टिकॉन की है और जो भी इसके अंदर था बाहर आ चुका है। पॉड में से इतने डिसेप्टिकॉन्स निकले? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जरूर कोई और बात होगी। हटो। क्या हुआ? डर गए क्या? ये तुम्हारा दोस्त है? इसे पहले कभी नहीं देखा। एनर्जोन पर हमला करने का आइडिया अच्छा था, है ना? सच कहूँ तो अच्छा होता, लेकिन तुक्के से तुम्हारा एक शॉट उस पर लग गया और धमाका हो गया। जो भी हो, काम तो किया ना। बहुत बहुत शुक्रिया ऑटोबॉट, तुम्हारी बहादुरी वाकई काबिले तारीफ है। मुझे यकीन नहीं होता, आप ऑप्टिमस प्राइम है। ये ऑप्टिमस प्राइम है। हम जानते हैं। बताने के लिए शुक्रिया। तुम्हारा नाम क्या है जाबाज? स्मोक स्क्रीन सर। पृथ्वी पर तुम्हारा स्वागत है स्मोक स्क्रीन। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई, खासकर आपको देखकर। अब क्या करोगे? क्या इसे यूं ही अपने साथ बेस पर ले चलोगे?
हम पहले भी कई बार बहरूपियों से धोखा खा चुके हैं। देखने से लगता है कि तुमने साइबरट्रॉन के एलीट गार्ड से ट्रेनिंग ली है। सही कहा, हालांकि मैंने जब उसे ज्वाइन किया था तो वो बस एक मामूली कैंप रह गया था। ना कभी इम्तिहान हुआ और ना ही कभी नंबर मिले, क्योंकि उस वक्त जंग छिड़ी हुई थी। मैं तो बस एक सिपाही बनकर ऑटोबॉट्स के मकसद को पूरा करना चाहता था, लेकिन उन्होंने मुझे आयाकॉन में सिक्योरिटी का काम दिया। काम मिला भी तो आयाकॉन हॉल में ऑप्टिमस, क्या ये इत्तेफाक तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? स्मोक स्क्रीन, आयाकॉन हॉल में तुम क्या काम करते थे? जंग के आखिरी दिनों में मैंने अल्फा ट्रायन की रखवाली करने का काम किया। तुमने मास्टर आर्काइविस्ट के साथ काम किया? हाँ, मुझे जंग के दौरान सिर्फ उनकी रखवाली करने का मौका मिला, ना कि किसी डिसेप्टिकॉन की पिटाई करने का। सॉरी, लेकिन बाद में वो मेरे दोस्त और मेरे गुरु बन गए। मतलब हैलिजन को भी उन्होंने ही दरख्वास्त भेजी थी ताकि हाई काउंसिल आपको प्राइम बना दे। राफ सुनो, ग्राउंड ब्रेक शुरू करो। बस हो गया, इतनी सी बात सुनकर आप इसे साथ ले जाने के लिए राजी हो गए? मेरे गुरु का इसे ये जानकारी देना इस बात का सबूत है कि स्मोक स्क्रीन भरोसे के लायक है। व्हील जैक के बाद पहली बार कोई नया ऑटोबॉट आया है। चलो अपनी कहानी सुनाओ स्मोक, तुम कहाँ पर थे, तुम यहाँ कैसे आ पहुँचे, तुम्हारे पास कितने ब्लास्टर्स हैं? तो क्या यही है वो जीव जिनकी हमें रखवाली करनी है? क्या सभी इनकी तरह ही हैं? बदकिस्मती से नहीं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम मीको के सवाल का जवाब दो। तुम आखिर यहाँ आए कैसे? एक डिसेप्टिकॉन एस्केप पॉड में। अब भी मुझ पर भरोसा नहीं है? बड़े शक्की हो। उस वक्त लड़ाई आयाकॉन हॉल से काफी दूर चल रही थी, इसलिए वहां पर कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन अचानक बाजी पलट गई और हम पर हमला हुआ। डिसेप्टिकॉन्स ने एक ही झटके में आयाकॉन की सुरक्षा को तहस नहस कर दिया और अंदर घुस गए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए सिर्फ मैं ही था, और मुझे इस बात की खुशी थी क्योंकि एक अरसे के बाद मुझे मैदान में उतरने का मौका मिला था, खुद को साबित करने का मौका। पर किस्मत को कुछ और मंजूर था। डिसेप्टिकॉन्स ने मुझे बंदी बना लिया और ट्रांसपोर्ट शिप में डाल दिया। पर मैं भी एक गार्ड को चकमा देकर एस्केप पॉड में भाग निकला। वो एक लंबे सफर के लिए बनाया पॉड था जिसने मुझे स्टेसिस में डाल दिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को यहां जमीन पर पाया। डिसेप्टिकॉन को पॉड का सिग्नल मिल गया होगा और उन्होंने उसे धरती पर बुला लिया होगा। इसीलिए डिसेप्टिकॉन स्मोक स्क्रीन का स्वागत करने आए थे। उन्हें उसमें से एक ऑटोबॉट को निकलता देख दुख हुआ होगा। स्मोक स्क्रीन, तुम जानते हो आयाकॉन के बर्बाद होने के बाद अल्फा ट्रायन का क्या हाल हुआ? काश मैं जानता, पर मैंने आखिरी बार उन्हें वहीं देखा था। बस तो यही है मेरी कहानी। हाँ, वैसे जितनी शानदार होनी चाहिए थी उतनी है नहीं, लेकिन आज से ऑप्टिमस प्राइम को मिलने के बाद मुझे यकीन है मैं शानदार चीजें कर पाऊंगा। मतलब अब इस जंग को खत्म करना कितना मुश्किल हो सकता है। मेरी तरफ देखो बच्चे, इतना मुश्किल हो सकता है। स्मोक स्क्रीन, मैं चाहता हूं कि तुम इस जगह से और यहां रहने वालों से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ। बेस को देखने से शुरुआत करना अच्छा रहेगा। मैं दिखाती हूं। मेरा मतलब जैक तुम्हें पूरा बेस अच्छी तरह दिखा देगा। इंसानों के पास फजूल जानकारियां देने के लिए बहुत वक्त होता है, लाखों की तादाद में सिर्फ और सिर्फ बकवास भरी हुई है। हालांकि कुछ बड़ी दिलचस्प है। ये क्या है?
बेचारे इंसानों को तो अंदाजा भी नहीं है उन्होंने क्या ढूंढ निकाला है। रेड एनर्जॉन, अगर मुझे वो एनर्जॉन मिल जाए तो मेरी ताकत तो बढ़ेगी ही, मेरी रफ्तार भी बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी, बहुत ज्यादा। फेस शिफ्टर, स्पार्क एक्सट्रैक्टर, इमोबिलाइजर, यहां पर उन साइबरट्रोनियन रेलिक्स को रखा गया है जो हमें यहीं धरती पर मिले, और इसमें से ज्यादातर वो रेलिक्स हैं जो आयकॉन हॉल में रखे गए थे। मुझे ये सब याद है। वो ये किस तरह की रेलिक है? उस तरह की जिसका तुम सामना नहीं करना चाहोगे। अगर तुम्हें मेरी जगह देनी ही थी तो व्हील जैक को दे देते, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। कोई तुम्हारी जगह नहीं ले रहा बल्कहेड, मैं भी जानती हूँ स्मोक स्क्रीन नौसिखिया है। मतलब वो नौ ऑटोबॉट्स को सिखा सकता है? नौसिखिया का मतलब होता है कि उसे अभी काफी कुछ सीखना है। और जब वो सब कुछ सीख जाएगा उसके बाद क्या? हाँ, मुझे उठाकर बाहर फेंक दोगे? बल्कहेड, तुम्हारी जगह कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये भी सच है कि हमें एक और ऑटोबॉट की मदद की सख्त जरूरत है। इसीलिए बेहतर होगा कि हमारी टीम उसके साथ काम करना सीख ले, ना कि उसके खिलाफ। देखते हैं उसके मुंह की तरह उसका ब्लास्टर भी चलता है या नहीं, उतना शोर कौन सहेगा। सब लोग सुनो, जरा इसे देखो। क्या हुआ, फिर से बम्बलबी की कोई तस्वीर मिली क्या? ओह, ये तो रेड एनर्जॉन। यहाँ धरती पर रेड एनर्जॉन क्या होता है? एक बेशकीमती और ताकतवर एनर्जॉन का रूप। उसका रिफाइंड फ्यूल हमारी रफ्तार को 100 गुना बढ़ा सकता है। हमें एजेंट फाउलर से कहकर वहाँ के सारे खोजकर्ता इंसानों को हटाना होगा, क्योंकि हमारे अलावा भी उसे कोई हासिल करने की कोशिश कर सकता है। ये हुई ना बात, अब तो हम डिसेप्टिकॉन्स को आसानी से हरा देंगे। तुम्हारे कम तजुर्बे की वजह से मैदान जंग में जाने से पहले तुम्हें और ट्रेनिंग लेनी चाहिए। ऑप्टिमस, बुरा मत मानिएगा पर उसके अलावा हम ऑटोबॉट्स इस प्लैनेट पर भेज बदल कर रहते आए हैं, तुम्हें भी पृथ्वी पर किसी गाड़ी का रूप लेना होगा, ताकि तुम किसी की नजर में ना आ जाओ, जो कि तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। अगर कार बनना है तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। रेड एनर्जॉन मेरे हवाले कर दो इंसानों, क्योंकि तुम ताकतवर स्टार स्क्रीम के सामने कुछ भी नहीं हो। क्या, कहाँ चले गए? नहीं, ये वाली कैसी है? ये रैचेट के लिए ठीक रहेगी, बहुत स्लो है। सीमेंट ट्रक? जरूर, अगर मैं कंस्ट्रक्टिकॉन होता। क्या तुम्हारे प्लैनेट पर कोई जानदार कार नहीं बनती? बनती है, पर यहां पर नहीं है। हाँ, मैं समझ गया। फाउलर को इसे क्रेन से उतरवा तो देना चाहिए था। जरूर इंसान इस मिटियोर को किसी कार्गो शिप में डाल रहे होंगे, और तभी फाउलर ने उनसे ये जगह खाली करने को कहा होगा। वापस लौट जाओ ऑटोबॉट्स, क्योंकि उस रेड एनर्जॉन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। रेड एनर्जॉन को हासिल करके हमें उसे वापस बेस पर ले जाना ही होगा।
लगता है तुम हमारी पिछली मुलाकात भूल गए हो प्राइम। रुकना मत बम्बलबी। ऑप्टिमस, क्या कोई परेशानी है? स्टारस्क्रीम रेड एनर्जॉन लेने आया है और मुझे डर है कि इस बार उसे रोकना नामुमकिन है। स्टारस्क्रीम? मैंने साइबरट्रॉन पर उस पंख वाले शैतान के कई किस्से सुने हैं। मुझे वहाँ भेजो डॉक्टर। ऑप्टिमस को बैकअप चाहिए होगा तो वो खुद मांग लेगा। पर अब तो मेरे पास व्हीकल मोड भी है और मैं इसके लिए पूरी तरह तैयार हूँ। मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है। जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतने ही जोर से गिरोगे। ऑटोबॉट्स, तुम कभी नहीं सुधरोगे। ऑप्टिमस, बताओ क्या हालात हैं? रैचेट, उन्हें मेरी जरूरत है, मुझे जाना होगा। आरसी, बम्बलबी, तुमने सुना मैंने क्या कहा? हाँ मैंने सुना और अनसुना कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें वहां भेजना ही पड़ेगा। स्मोक स्क्रीन कहां है? यही है वो। क्या हुआ? तुम अचानक यहां आकर ताका झांकी क्यों कर रहे हो? अब वक्त है तुम सबको मजा चखाने का। नहीं, संभल कर कहीं गिर ना जाए। इससे कहा था कि किसी की नजर में ना आए ऐसा रूप लेना। तो ऑटोबॉट्स को एक नया सदस्य मिल गया। तुम जरूर स्टारस्क्रीम होगे। मुझे लगा था तुम खतरनाक होगे। ऐसी तारीफ महंगी पड़ेगी। स्मोक स्क्रीन, रुक जाओ। तुम स्टारस्क्रीम के एपेक्स आर्मर का मुकाबला नहीं कर सकते। कोई आखिरी ख्वाहिश स्मोक स्क्रीन? बस एक बार जोर से तुम्हें मारना चाहता हूँ। एक फेस शिफ्टर था ना, कमाल का प्लान। जो मेरा ना हो सका मैं उसे किसी का भी नहीं होने दूंगा, किसी का भी नहीं। नहीं, मैंने कहा था ना इससे हमारा काम बन जाएगा।
रैचेट को लगा कि मैं रेलिक चोरी करना चाहता हूँ। अगर तुम अपना प्लान नहीं बताते तो मैं उसे तुम्हें छूने भी नहीं देता। इसे नियम कहते हैं। रैचेट ने सही कहा। इस टीम के हर सदस्य को नियमों का पालन करना चाहिए, वही हमारी ताकत है। उसके बावजूद आज जो तुमने किया वो काबिले तारीफ है स्मोक स्क्रीन। तुमने ना सिर्फ अपनी ताकत का इस्तेमाल किया बल्कि अपने दिमाग का भी सही सहारा लिया। अब तो ये बहुत जल्द हवा में उड़ने लगेगा। माना कि ये एक एलीट गार्ड के समारोह जितना शानदार नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा टीम प्राइम में स्वागत करता हूं। उसने अच्छा काम किया। फिक्र मत करो बल्क, उसमें तुम्हारी जितनी ताकत नहीं। सच में एक बार तुम्हारा पैर ठीक हो जाए फिर वो स्मोक स्क्रीन भी जान जाएगा कि यहाँ सबसे दमदार ऑटोबॉट कौन है। बल्कहेड,